हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई। फ्रेंड्स, मैं अर्शी आज अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट दही बड़े की रेसिपी, जो कि काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और इसमें मैंने एक स्पेशल टाइप के मसाले का इस्तेमाल किया है जो इस पूरे दही बड़े को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि मैंने काफ़ी परफेक्ट रेसिपी बताई है। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करके अगर आप बनाइएगा ये रेसिपी तो आपकी भी दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुरू में एक कप ले लिया है उड़द दाल और इसको कम से कम आपको 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर छोड़ देना है। तो मैंने इस दाल को ओवरनाइट पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। अब इस दाल को हम अच्छे से 4 से 5 बार मसल कर धो लेंगे ताकि इसमें जो दाल की एक अलग सी स्मेल होती है वो भी निकल जाए और जो इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है वो भी क्लीन हो जाए। मिक्सर पॉट में ऐड करके आपको बनाना है इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट। शुरू में हम पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। जब इस तरह का हम दरदरा पीस लेंगे उसके बाद ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। कोशिश करना है कि काफ़ी कम हम पानी ऐड करें, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है। और दोबारा से इसको हम बारीक पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि अच्छा गाढ़ा है अभी ये, हमें बिल्कुल यही चाहिए था। अगर आप ज़्यादा रनी कर दोगे तो फिर आगे आपको वड़े बनाने में दिक्कत होगी। और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है 2-3 चुटकी नमक और इसको हम फेंट लेंगे बहुत अच्छे से। आप विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और नहीं है तो मैं तो कहूँगी हाथ से बेहतर होगा इसको फेंटना। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको फेंट लीजिएगा और फेंटने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो इसको आप किसी भी बर्तन से ढक दीजिएगा। मैंने यहाँ पर रैप कर दिया है इसको, 2 घंटे के लिए आपको रख देना है और 2 घंटे के बाद हम देख लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से इसके अंदर एरेशन हो चुका है, काफ़ी फ्लफी लग रहा है देखने से। इसको एक बार हम और अच्छे से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो ये बैटर हो चुका है रेडी वड़ा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ले लिया है बिल्कुल गर्म पानी, क्योंकि हम इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करने वाले हैं तो टेम्परेचर तब तक थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और 2-3 चुटकी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हींग। हींग डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और एक साइड में रख दीजिएगा। तो ये तैयारी हमने कर ली है, अब चलो चलते हैं वड़ा बना लेते हैं। हाथों में आपको लगा लेना है अच्छे से पानी ताकि बैटर आपके हाथों में चिपके नहीं, और इस तरह से लेकर आपको शेप देना है इसके अंदर में। मैंने यहाँ पर बीच में होल कर दिया है। इस तरह से अगर आप होल कर दोगे तो गारंटी हो जाती है कि वड़ों के बीच में गुठलियाँ नहीं बनेंगी और अच्छे से ये पक सकेगा। तो इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। वड़ों को फ्राई करने के लिए तेल का सही गर्म होना बहुत ज़रूरी है। मीडियम फ्लेम पर आप 2 से 3 मिनट तक तेल को ही गर्म कीजिएगा और फिर आप एक वड़ा डालकर चेक कीजिएगा। हल्के हल्के बुलबुले आने चाहिए, ये नीचे बैठा हुआ है और धीरे धीरे ये वड़ा जो है ऊपर आएगा, मतलब तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में डालोगे ना तो वड़े अचानक से ऊपर आ जाएंगे और ऊपर का लेयर लाल हो जाएगा, अंदर से वो फ्लफी नहीं बन पाएगा। अब मैं दूसरे टाइप का भी वड़ा बना लेती हूँ। तो इसमें मैं बीच में होल नहीं करूँगी लेकिन फिर भी ये वड़ा जो है गुठलियों वाला नहीं बनेगा, बहुत बहुत ज़्यादा जालीदार फ्लफी बन के तैयार होगा। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हम सारे वड़े फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। कुछ मैंने होल्स वाले बनाए हैं, कुछ बिना होल के बनाए हैं। मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँगी कि बिना होल वाले जो होते हैं उसमें भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वड़ा बनने वाला है। अब जब एक बार सारे वड़े ऊपर आ जाए ना, फिर आप इसको मीडियम फ्लेम करके दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तो ये दोनों साइड से लगभग फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कलर इसका और अच्छे से ये गोल गोल सा फूल भी गया है। अब हमारे गर्म पानी में ऐड कर देंगे जिसमें कि हमने हींग मिलाकर रखा था। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद वड़ों को पानी के अंदर छोड़ना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये सॉफ्ट हो गए तो इस टाइम पर निकाल लीजिएगा और अगर नहीं हुए तो 10-15 मिनट के लिए और गर्म पानी में छोड़ दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार वड़ों को पलट दिया है और 10 से 15 मिनट बाद मैं निकाल लूँगी इसको पानी से, क्योंकि परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा देर तक भी अगर आप पानी में छोड़ दीजिएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर टूटने लग जाएंगे। और हल्के हाथों से इसके पानी को दबाकर आपको निकाल देना है। मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ, हल्के हाथों से इसके पानी को दबाकर निकाल लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी गर्मी के सीज़न में ट्राई कर रहे हो तो वड़ों को पानी से निकालने के बाद 5 से 6 घंटे के अंदर आप इसको फ्रीज में रख दीजिएगा, नहीं तो ये वड़े ख़राब हो जाते हैं।
मैंने सारे निकाल लिए हैं पानी से। इस तरह की मैं काफ़ी वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब किया है तो, और पर्सनलाइज के ऊपर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह की जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो वड़ों को सर्व करने से पहले हम बना लेते हैं स्पेशल मसाला, जिसके लिए मैंने 2 चम्मची ले ली है धनिया, 1 चम्मची ज़ीरा, 1 चम्मची ही काली मिर्च, 2-3 सूखी वाली लाल मिर्च और 1 चम्मची नमक, काला नमक है ये, ब्लैक सॉल्ट। इन सबको आप लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट तक रोस्ट कीजिएगा, या फिर जब तक इससे अच्छा सा फ्लेवर ना आने लगे, हल्का हल्का सा कलर चेंज ना होने लगे तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हल्का सा कलर आ चुका है इसके अंदर में, तो इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि मिर्ची जो थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी तो वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाई, तो मैं तोड़ करके दोबारा से इसको आधे मिनट के लिए रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये मसाले बिल्कुल भूनकर रेडी हैं, ठंडा कर लीजिएगा और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब हम बाकी की चीज़ भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर दही ली है, ज़्यादा भी खट्टी दही मत लीजिएगा, थोड़ी फ्रेश दही लेने की कोशिश कीजिएगा। इसको अच्छे से विस्क करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया, इसको और अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक 1/4 चम्मची और 1/2 चम्मची हम डाल देंगे चीनी का पाउडर। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको वड़े ज़्यादा मीठे अच्छे लगते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल लेना। तो दही हो चुकी है यहाँ पर रेडी, साथ में हम ले लेंगे थोड़ा सा इमली का पानी। सिंपली इमली को पानी में भिगो दीजिएगा और पल्प को निकाल लीजिएगा। साथ में ही आपको लेना है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। मैंने इमली की चटनी को बनाकर फ्रीज में रखा था जिससे ये काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, तो जितनी भी चटनी आपको यूज़ करना है उतनी निकाल कर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला कर लीजिएगा ताकि ये वड़ों पर अच्छे से बिखर पाए। साथ में यहाँ पर मैंने हरी चटनी ले ली है, इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मसाला जो अभी अभी मैंने आपके सामने ही तैयार किया है, स्पेशल टाइप का मसाला। और साथ ही में मैं यहाँ पर ले लूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ये तीखी वाली नहीं है, मुझे सिर्फ जस्ट अच्छा सा कलर चाहिए था इसलिए मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। और अब बारी आती है दही वड़ों को सर्व करने की, प्रेजेंट करने की। तो मैं दोनों टाइप के वड़े सर्व कर रही हूँ यहाँ पर, जिसमें छेद मैंने बनाए थे वो भी, और इसमें जो बिना होल के हैं उसको भी मैंने ले लिए हैं। आपको मैं काट के ये बिना होल वाला दिखाऊंगी कि कितने जालीदार बनते हैं अंदर से, और जिसमें होल है उसमें गुठलियाँ होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ऊपर से सबसे पहले मैंने दे दिया है इमली का पानी, साथ ही में आपको देनी है गाढ़ी गाढ़ी दही, ज़्यादा पतली दही मत कीजिएगा वरना लुक अच्छा सा नहीं आएगा। इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ हरी चटनी, जो कि बनाना काफ़ी आसान है। धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची और लहसुन को मिलाकर पीस लो, आपकी हरी चटनी रेडी है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो हरी चटनी की। थोड़ी सी मैंने खट्टी मीठी वाली चटनी डाल दी है और ये ऊपर से मैं डालूँगी थोड़ा सा हमारा स्पेशल वाला मसाला, जिसके अंदर काला नमक, मिर्ची सब कुछ है, आपको और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रेड चिली मैंने बस खूबसूरती के लिए डाला है, कलर अच्छा सा लाने के लिए, ये डालना कंपलसरी नहीं है। तो ये आपके दही बड़े हो चुके हैं रेडी, इसको फ्रीज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, या फिर आप इसके अंदर ठंडे ठंडे दही का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसके अंदर। काश मैं आपको ये टेस्ट करा पाती कि ये कितना बेहतरीन लगता है खाने में। तो मैं जब इतना बोल रही हूँ तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपको बिल्कुल ये काट के भी दिखा देती हूँ, काफ़ी जालीदार बनते हैं ये अंदर से, गुठलियाँ नहीं होती हैं, आप ट्राई कीजिएगा। मैंने जैसे स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए अगर आप बनाइएगा तो आपके भी दही बड़े बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी को काफ़ी डिटेल में आपको बताया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या रेसिपी बनाते टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत मुझसे क्वेश्चन कीजिए और मैं जल्द से जल्द आपको उसका आंसर भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी स्पेशल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।